अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सायमा काजी और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात चल रहे थे और उसके बीच में कुछ सियासी जमातें थी जिनका ये कहना था कि हमारे पास पैसा नहीं है। जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हम बात करें तो उसका ये कहना था कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कैंपेन में लगा सके, इतना जो है एक्सपेंडिचर नहीं है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो जो लोकसभा की पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उन पर जाकर खर्चा कर सके। वहीं अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अमीर पार्टी है, वो जब चाहे जहां चाहे जिस तरीके से चाहे अपना एक्सपेंडिचर जो है वो खर्च कर सकती है। वहीं अगर दीगर सियासी जमात की बात करें तो उनका अपना अपना ओपिनियन था अपने फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर, अपने एक्सपेंडिचर्स को लेकर। आपको ये यहां बताना मैं चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात जिसका आखिरी मरहला 25 मई को हुआ है पुंछ, राजौरी, अनंतनाग लोकसभा पार्लियामेंट्री सीट पर, तो उस इन तमाम को मिलाकर जो कैंडिडेट्स थे वो लगभग 100 के करीब थे। और इसमें अगर हम देखें तो जो एक्सपेंडिचर, जो पैसा एक कैंडिडेट को मिला है कंपेन करने के लिए या इस इलेक्शन को लड़ने के लिए, तो एक कैंडिडेट को 95 लाख का जो है वो खर्चा आया है या एक्सपेंडिचर जो है उसको मिला है। लेकिन वहीं पर आज क्या खबर है? खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा इंतखाबात चल रहे थे उनमें 95 करोड़ रुपया जो है वो सीज किया गया है। सोचने वाली बात यह है कि एक कैंडिडेट को अगर 95 लाख रुपया मिलता है इलेक्शन लड़ने के लिए, वहीं पर 95 करोड़ जो है वो सीज भी किए जाते हैं। वो सीज कहां हुए हैं, किस जमात से हुए हैं, किस कैंडिडेट से हुए हैं, ये डिटेल्स जो है वो नहीं दी गई। अगर दी जाती तो हमें भी पता चल जाता कि आखिर किस जमात की जो है जमात से ऐसे एक्सपेंडिचर जो है वो खर्च किया गया है या लगे हैं। जिसमें इस 95 करोड़ की अगर बात करें तो इसमें जो है वो कैश भी है, शराब है, ड्रग्स हैं, जो कि 95 करोड़ रुपए जिनकी कीमत बनती है। और ये सब हो रहा है जम्मू कश्मीर के जो लोकसभा इंतखाबात चल रहे थे उसी के बीच में ये हुआ है। और वहीं पर इलेक्शन अथॉरिटीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर की, उन्होंने ये कहा है कि हमने 95 करोड़ जो वर्थ है कैश और कुछ जो फ्रीबीज थी जिसमें लिक्वर हो गया या यानी कि शराब कह लें या ड्रग्स कह लें, तो वो हमने जब्त किया है, जो कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो कैंडिडेट्स की जानिब से किया गया है या सियासी जमातों की जानिब से किया गया है, ऐसा कहना है इलेक्शन अथॉरिटीज जो हैं जम्मू कश्मीर की उनकी जानिब से। वहीं आपको पता है कि सैटरडे को यानी कि 25 मई को आखिरी इंतखाबात जो थे लोकसभा के वो पुंछ, राजौरी, अनंतनाग सीट पर हुए हैं और उसकी वोटिंग जो है वो खत्म हुई है। और हमने इस इलेक्शन में ये भी देखा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सदियों के बाद, बहुत डिकेड्स के बाद जो है एक अच्छा खासा हमें वोटर टर्नआउट जो है वो भी देखने को मिला है और कैंपेन्स भी जो है अच्छी खासी हुई थी। उसके बाद कहा जाता है इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि इन इंतखाबात में जितनी भी सियासी जमातें थी उनने अपना एक्सपेंडिचर जो है वो वोटर्स पर लगाया है और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए यहां पर जो है वो शराब भी जो है वो लोगों में बांटी गई है, ड्रग्स बांटे गए हैं, कैश भी बांटा गया है। और ये पूरी जो वर्थ बनती है ये 95 करोड़ की है, जो कि इलेक्शन अथॉरिटी का कहना है कि सीज की गई है और वो भी जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन चल रहे थे उनमें। वहीं हम अगर बात करें तो जब से लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बजा था उसके बाद से ही जो है इस तरीके की जो है वो एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिल रही थी, ऐसा इलेक्शन अथॉरिटीज का कहना है। और उसमें उसके बाद जो है इलेक्शन अथॉरिटी जो है उसने कुछ कैश जो है वो, जिसकी टोटल वैल्यू हम अगर बात करें तो 94.797 करोड़ जो है वो जब्त की है। वहीं पुलिस का कहना है इलेक्शन अथॉरिटी का, पुलिस ने इस पर काफी अच्छा जो है वो रोल प्ले किया है और इन सब चीजों को या ये जो भी मटेरियल या जो भी पैसा था, ये जो 95 करोड़ लगभग बताया जा रहा है इसको सीज करने में जो है बड़ा रोल रहा है पुलिस का। वहीं इस 95 करोड़ में कैश है, ड्रग्स है, शराब है और बाकी जो दिगर फ्रेबीज हैं वो भी सीज की गई हैं।
ہیں مختلف جو ہم کہیں کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی جانب سے, وہیں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ویلیو جو بتائی جا رہی ہے جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ویلیو بتا رہی ہے اس میں 90.831 crore ہیں, اور انکم ٹیکس کی جانب سے جو پیسہ سیز کیا گیا ہے وہ 42 crore بتایا گیا ہے. وہیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 1.1 crore جو ہے وہ اس میں سیز کیا گیا ہے. وہیں نارکوٹکس کنٹرول بیورو ہے اس نے بھی کچھ ڈرگز جو ہیں جس کی قیمت بنتی ہے 2.32 crore. اس طریقے سے جو ہے یہ ایک بڑا ایک ہم کہیں کہ کارکردگی کرتے ہوئے الیکشن اتھارٹی کی جانب سے جو ہے یہ ان الیکشن میں جموں کشمیر کے جو الیکشن ہیں اس میں اتنے ہم کہیں کہ ویلیو کا جو ہے وہ جو ہے کیش وہ ہے ضبط کیا گیا ہے. اور اس میں اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ الیکشن کمیشن سوری الیکشن اتھارٹی جو ہے اس کی جانب سے 90 crore کا جو یہ کیش جو ہے وہ ہم کہیں کہ اس ویلیو کا جو کیش ہے وہ ضبط کیا گیا ہے. اس میں ڈیٹیلز جو ہے وہ نہیں دی گئی ہیں, اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ کو 95 lakh